का है भाई, हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। वहाँ क्यों गए थे आप बताएं? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम देखो हम भी अपना काम में आया है, निजी काम, और अपना निजी काम में दिल्ली आया। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप? देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। सियासत झारखंड की थी लेकिन संग्राम पूरे दिन दिल्ली में चलता रहा। रविवार को सुबह सुबह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली आए तो दिल्ली से लेकर झारखंड तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सियासी फिजाओं में यह खबर चर्चा में आने लगी कि चंपई सोरेन दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करने आए। हालांकि चंपई सोरेन मीडिया के सवालों पर बार बार इनकार करते रहे। हमारा कार्यक्रम में हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। वहाँ क्यों गए थे आप बताएं? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम देखो हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल आप ऐसे ही सवाल करता है भाई, हम बोल दे जहां पर है वहीं पर हम है। दरअसल चंपई सोरेन शनिवार को कोलकाता में थे। बताया जाता है कि वहां उन्होंने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी। यही वजह है कि कोलकाता से दिल्ली पहुंचते ही पत्रकारों ने चंपई सोरेन को घेर लिया और उनसे आगे के प्लान के बारे में पूछा, लेकिन चंपई सोरेन न इनकार न इकरार वाला जवाब देकर सवाल को टालते रहे। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप? देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से, आपका मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आ गया है, अब उन्हें हटाया जा रहा है, बड़े नेता है आदिवासी, बड़े नेता है आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर, आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल, हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं, हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। मतलब चंपई सोरेन ये तय करके आए थे कि अपनी जुबान से जितना मुमकिन हो सीधा सीधा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिल्ली में पहले ही चर्चाओं का बाजार गर्म था। सीएम हेमंत सोरेन के चाचा चंपई जेएमएम के 6 अन्य विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पुरानी कहावत है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। झारखंड की सियासत में यह साबित किया शाम होते होते आई चंपई सोरेन की इस चिट्ठी ने। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच चंपई सोरेन ने एक्स पर एक बगावती पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा है, भूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया। इसी चिट्ठी में चंपई सोरेन आगे लिखते हैं, पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसू को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। चंपई सोरेन ने अपने इसी पोस्ट में हेमंत सोरेन को यह बता दिया है कि उनके लिए झारखंड विधानसभा चुनाव तक सभी विकल्प खुले हैं। वो आगे लिखते हैं, मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे, पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना,
और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करें। उस दिन से लेकर आज तक आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए। जाहिर है सोशल मीडिया पर लिखी इस चिट्ठी में चंपई सोरेन ने भतीजे हेमंत सोरेन को इस बात का इशारा दे दिया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तमाम विकल्प खुले हैं। अब इस सियासी संकट से हेमंत सोरेन कैसे निपटेंगे ये देखना दिलचस्प होगा।